स्टूडेंट्स, हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा वर्किंग ऑफ ईयर। क्या टॉपिक रहेगा? वर्किंग ऑफ ईयर। क्योंकि हमने जो टॉप इस चैप्टर स्टार्ट कर रखा है वो सेंसरी ऑर्गन का चैप्टर से, जहाँ पे सेंस ऑर्गन की स्ट्रक्चर्स एंड देयर फंक्शन से रिलेटेड हम लोग जो टॉपिक है उसको क्लियर करते आ रहे हैं। तो आज का टॉपिक क्या रहेगा? वर्किंग ऑफ ईयर। क्योंकि मैकेनिज्म बता दो चाहे वर्किंग बता दो, दोनों एक ही पॉइंट्स में होते हैं। एग्जाम में किसी भी नाम से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है आपसे। स्ट्रक्चर ऑफ ईयर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जहाँ पे हम लोगों ने एक्सटर्नल ईयर, इन मिडल ईयर और इनर ईयर से रिलेटेड स्टडी की थी। आज का जो टॉपिक रहेगा वो वर्किंग मैकेनिज्म। अब वर्क की देखिए, क्योंकि हमने देखा था कि जो ईयर होता है उसके जो फंक्शंस होते हैं उसमें एक तो क्या था, हियरिंग करवाना था, और सेकंड क्या था, बॉडी बैलेंस करवाता है। अब उसके अंदर हम लोगों ने टॉपिक ये कर लिया था कि जो यूट्रिकुलस है, यूट्रिकुलस के अंदर जो भी सेंस पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं वो बैलेंस बनवाने का करते हैं, या मूवमेंट प्रोवाइड करवाते, से हम लोग खड़े हैं या नीचे की तरफ झुक रहे हैं, ये सब बैलेंस करने का काम किसका था? यूट्रिकुलस का था। यूट्रिकुलस आपको पता है कि वेस्टिबुली के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, एक यूट्रिकुलस होता है, एक सैकुलस होता है। वो तो हो गया बैलेंस वाली बात। अब हियरिंग की अपन बात करते हैं, हियरिंग कैसे करता। देखिए, मैंने यहाँ पर एक हियरिंग की प्रोसेस बताने के लिए एक रे डायग्राम बना रखा है। इस रे डायग्राम में देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि जो साउंड वेव रिसीव बाय द ईयर पिन्ना, कि ईयर पिन्ना क्या करती है, ईयर पिन्ना एक्सटर्नल ईयर का पार्ट होता है, जो इन्वायरमेंट से साउंड से रिलेटेड जो इम्पल्स होते हैं उन इम्पल्स को रिसीव करता है। जैसे एग्जांपल की फॉर्म में आप इस वीडियो को सुन रहे हैं और देख रहे हैं, तो आप इस वीडियो को सुन रहे हैं तो यहाँ पे सुनने से रिलेटेड यानी कि जो साउंड निकल रही है उस साउंड को रिसीव कौन कर रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल ईयर पिन्ना रिसीव करती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल साउंड वेव रिसीव बाय द ईयर पिन्ना, ईयर पिन्ना ने जो साउंड वेव को रिसीव किया है ये साउंड वेव कहाँ जा रही है? एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस या ऑडिटरी केनाल में चली जाती है। ऑडिटरी केनाल से कहाँ जाएगी? ईयर ड्रम, टैपेनिक मेम्ब्रेन। तो देखिए, साउंड वेव ईयर पिन्ना से कहाँ गई? ऑडिटरी केनाल। ऑडिटरी केनाल टू एक ये थिन मेम्ब्रेन होती है, जिस मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? टैपेनिक मेम्ब्रेन, या फिर क्या बोला जाता है? ईयर ड्रम बोला जाता है। तो ये कहाँ तक चली गई? ईयर ड्रम तक चली जाती है। देन आफ्टर वाइब्रेशन स्टार्ट इन द ईयर ड्रम, क्योंकि ईयर ड्रम में क्या थिन मेम्ब्रेन है, जब उस थिन मेम्ब्रेन पर प्रेशर लगेगा तो प्रेशर करते वो क्या स्टार्ट कर देगी? वाइब्रेशंस। तो ईयर ड्रम, जैसे ईयर ड्रम पर इस फॉर्मेशन जाती है तो ईयर ड्रम में क्या स्टार्ट हो जाता है? वाइब्रेशन। ये जो वाइब्रेशंस होते हैं ईयर ड्रम वाले जो वाइब्रेशन है, देखिए ईयर ड्रम के इस पार्ट से क्या लगी हुई है? ये टेपेनिक मेम्ब्रेन है, तो टेपेनिक मेम्ब्रेन से मेलस लगती है, मेलस से इनकस, और इनकस से क्या लगती है? स्टैपीज लगती है। तो जैसे इसमें वाइब्रेशन स्टार्ट होगा तो ये वाइब्रेशन यानी ये जो इम्पल्स पास टू द मेलस इनकस एंड स्टैपीज मींस द मिडल ईयर्स, द इम्पल्स पास द इनर ईयर थ्रू द फेनेस्ट्रा ओविस, कि आपको मैंने बताया था ना कि जो मिडल ईयर है वो इनर ईयर के अंदर ओपन हो, तो मिडल ईयर जब इनर ईयर में ओपन होता है तो दो पोर प्रेजेंट होते, ऊपर वाला जो पोर होता है उसको फेनेस्ट्रा ओविलिस बोला जाता है और नीचे वाले पोर को क्या बोलते हैं? फेनेस्ट्रा रोडेडंस बोलते हैं। ये आपके ध्यान में रखें कि दो पोर है, फेनेस्ट्रा ओविलिस और फेनेस्ट्रा रोडेडंस। तो यहाँ देखिए, इम्पल्स कहाँ से आए थे? ईयर पिन्ना, ईयर पिन्ना पास टू द ऑडिटरी केनाल, देन आफ्टर फॉल ऑन ए थिन मेम्ब्रेन, थिन मेम्ब्रेन इज द टैपेनिक मेम्ब्रेन या ईयर ड्रम टू स्टार्ट द वाइब्रेशंस, यहाँ से वाइब्रेशंस पास टू द मिडल ईयर, मिडल ईयर टू द फेनेस्ट्रा ओवेलिस इज पास द इनर ईयर्स।
अब देखिए ये फेनेस्ट्रा ओवेलिस है, ये वाला फेनेस्ट्रा ओवेलिस, और ये क्या है फेनेस्ट्रा ऑडिटेंस, तो रोडेडेंस। तो यहाँ से जो इंपल्स होंगे वाइब्रेशन होगा, ये वाइब्रेशन कहाँ जा रहा है, फर्स्ट इंटरडेंट कोक्लिया या फिर इनर ईयर। जो इनर ईयर होता है उसके अंदर लैब्रिंथ प्रेजेंट होते हैं, एक तो है पेरिलिम्फ और एक होता है एंडोलिम्फ, यानी लैब्रिंथ को अपन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो हो गया बोनी लैब्रिंथ और एक क्या हो जाता है मेम्ब्रेन्स लैब्रिंथ। जो मेम्ब्रेन्स लैब्रिंथ होता है उसके अंदर इंक्लूड करते हैं कोक्लिया, वेस्टिबुली को इंक्लूड किया जाता है। बोनी लैब्रिंथ तो होता है जिसके अंदर बाहर की तरफ जो लिक्विड फिल रहेगा उसको पेरिलिम्फ बोलते हैं, अंदर वाले फ्लूड को क्या बोलेंगे एंडोलिम्फ बोलेंगे। तो यहाँ देख कहाँ तक पहुंच गए, इनर ईयर में जा रहे। अब इनर ईयर में देखिए कोकलिया मेन पॉइंट है, तो कोकलिया में एक तो था स्केला वेस्टिबुली, स्केला टेम्पेनी और स्केला मीडिया, ये तीन पार्ट किसके थे कोकलिया के थे। अब देखिए ये जो इंपल्स होंगे यानी जो वाइब्रेशन हो रहा है, ये वाइब्रेशन स्केला मीडिया में स्केला वेस्टिबुली में जाता है। स्केला वेस्टिबुली के अंदर जो पेरिलिम्फ है, पेरिलिम्फ में क्या स्टार्ट हो जाता है वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाता है, फिर स्केला वेस्टिबुली से इंपल्स पास टू द स्केला टेम्पेनी, देन द वाइब्रेशन स्टार्ट इन द पेरिलिम्फ, देन आफ्टर ये कहाँ जाएंगे टू पास टू द, यानी कि इनका स्टेप इससे चलेंगे फेनेस्ट्रा ओविलस, यहाँ से वेस्टिबुली के पेरिलिम्फ, फिर हेल्कोडर्मा जो केविटी प्रेजेंट होती है हेल्कोडर्मा, जो किसको जोड़ते हैं स्केला वेस्टिबुली और स्केला टेम्पेनी को आपस में जोड़ने का काम करती है। मान लीजिए ये दोनों पॉइंट है, तो यहाँ ऐसे एक ये ट्यूब, ये तो यहाँ से जो इंपल्स होंगे वो कहाँ जाएंगे किसके थ्रू, हेल्कोडर्मा केविटी के थ्रू स्केला टेम्पेनी में पहुंच जाते हैं, फिर स्केला जो टेम्पेनी है उसके अंदर भी वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाता है, फिर लास्ट में जो इंपल्स होंगे फेनेस्ट्रा रोडेटन्स में पहुंचते पहुंचते क्या हो जाएंगे खत्म हो जाते हैं। ये रहा फेनेस्ट्रा, देखिए यहाँ से स्टार्ट हुए ऐसे चल रही है ना लाइन, देखिए ये रहा और यहाँ पर ये वाइब्रेशन क्या हो जाते हैं खत्म हो जाते हैं, यानी वीक हो जाते हैं। इसके साथ जैसे जैसे देखिए वाइब्रेशन किस में चल रहे, स्केला वेस्टिबुली में वाइब्रेशन चल रहे, तो आपको ध्यान होगा स्केला वेस्टिबुली और स्केला जो मीडिया था उसके बीच में रेजिनस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, स्केला टेम्पेनी वाले के अंदर कौन सी थी बेसिलर मेम्ब्रेन्स, तो स्केला वेस्टिबुली स्केला मीडिया के अंदर जो पेरिलिम्फ है इसके अंदर जो वाइब्रेशन हुआ है, ये इन वाइब्रेशन से रेजिनस मेम्ब्रेन और बेसिलर मेम्ब्रेन के अंदर वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाता है, जिससे स्केला मीडिया का जो एंडोलिम्फ है उसमें वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। स्केला मीडिया में वाइब्रेशन स्टार्ट होने से इन वाइब्रेशन को कौन रिसीव कर लेगा, ऑर्गन ऑफ कॉर्टी के ऊपर प्रेजेंट सेंसरी जो हेयर्स थे वो इनको रिसीव कर लेते हैं, फिर यहाँ से जो इंपल्स होंगे ये पेक्टोरल मेम्ब्रेन्स को, टेक्टोरल जो मेम्ब्रेन होगी उसको टच करेंगे, टेक्टोरल मेम्ब्रेन के ऊपर ऑडिटरी नर्व प्रेजेंट होती, तो ये ऑडिटरी नर्व उस इंपल्स को क्या कर लेगी रिसीव कर लेगी, कहां तक पहुंचा देगी ब्रेन तक पहुंचा देगी। अब आपको मैं थोड़ा सा बस यहीं पे ध्यान में रखना है क्योंकि ये प्रोसेस तो बिल्कुल सीधे सीधे चले, देखिए ईयर पिना से कहां गए ऑडिटरी केनाल, ऑडिटरी केनाल से किसके ऊपर फॉलिंग हो जाएगी थिन मेम्ब्रेन पे जिसमें वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, इस ये जो थिन मेम्ब्रेन है ईयर ड्रम से क्या अटैच होती है मेलस सिंकस और स्टेपीज, तो मेल टू वाइब्रेशन स्टार्ट इन द मेलस सिंकस द स्टेपीज, देन आफ्टर द वाइब्रेशंस रिच इन द कोक्लिया थ्रू द फेनेस्ट्रा ओविलिस, ये वाइब्रेशन फेनेस्ट्रा ओविलिस, फेनेस्ट्रा जो ओविलिस है उसके अंदर जो पेरी फेनेस्ट्रा ओविलिस रिच टू द स्केला वेस्टिबुली, देन द स्केल द वाइब्रेशन स्टार्ट इन द पेरिलिम्फ ऑफ स्केला वेस्टिबुली के अंदर वाइब्रेशन स्टार्ट हो गया, देन आफ्टर द वाइब्रेशन पास इन द स्केला टेम्पेनी थ्रू द हेल्कोड्रोमा केविटी, क्या नाम हो जाएगा दोनों के बीच में आपस में जोड़ते उसको हेलिकोट्रोमा टू पास टू द स्केला टेम्पेनी,
द वाइब्रेशन स्टार्ट इन द पेरिलिम्फ ऑफ स्केला टेम्पेनी देन आफ्टर रीच टू द फेनेस्ट्रा रोडेटन्स। ऐसे घूम रहे हैं ना, कहाँ आगे फेनेस्ट्रा रोडेटन्स, फेनेस्ट्रा रोडेटन से आते आते ये काफी क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, नहीं नेक के बराबर होते हैं, नेग्लेट हो जाते हैं वाइब्रेशन। बट लेकिन ध्यान, जब वेन द वाइब्रेशन रिच या फिर फास्ट द पेरिलिम्फ ऑफ स्केला वेस्टिबुली सम वाइब द मेम्ब्रेन ऑफ रेसेनस एंड द मेम्ब्रेन ऑफ बेसिलस आर आल्सो वाइब्रेट देन द वाइब्रेशन रिच टू द स्केला मीडिया द वाइब्रेशन स्टार्ट इन द एंडो लिम्फ द वाइब्रेशन ट्रेप बाय द सेंसरी सेल्स ऑर्गन्स ऑफ कॉर्टीज एंड रिसीव बाय द टेम्पोरल रिसीव बाय द टैक्टोरियल मेम्ब्रेन्स देन आफ्टर द इम्पल्स रिसीव बाय द ऑडिटेरी ऑडिटेरी नर्व एंड डिश टू द ब्रेन और वी हियर और हमें सुनाई देता है। तो ये मैकेनिज्म किसकी थी, ये वर्किंग की मैकेनिज्म थी। बस थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा ध्यान में रख लेना कि जैसे इम्पल्स स्केला वेस्टिबुली में जा रहे तो कुछ इम्पल्स से तो रेसेनस मेम्ब्रेन क्या हो जाती है, वाइब्रेट करने लग जाती है। जब इम्पल्स स्केला टेम्पेनी में आ रहे हैं तब उस समय बेसिलर जो मेम्ब्रेन होगी वो वाइब्रेशन स्टार्ट कर देगी। इन दोनों का वाइब्रेशन कहाँ जाता है, बीच वाले स्केला मीडिया में आ जाता है, स्केला मीडिया के अंदर, क्योंकि यहाँ पर भी क्या एंडोलिम्फ, तो वो वाइब्रेशन करना स्टार्ट कर देगा। उसी समय स्केला मीडिया वाले जो बेसिलर जो मेम्ब्रेन होगी वहां पर ऑर्गन ऑफ कॉर्टी प्रेजेंट है, जैसे ऑर्गन ऑफ कॉर्टी रिसीव कर लेंगे, ऑर्गन ऑफ कॉर्टी से इसको टेक्टोरल मेम्ब्रेन और वहां से ऑडिटरी नर्व लेकर के कहां दे देगी, ब्रेन को दे देगी। तो ये किसकी मैकेनिज्म थी, वर्किंग ऑफ ईयर की मैकेनिज्म थी। ये आपको लीनियर डायग्राम आपके सामने, आप नोटबुक में वीडियो से देख करके बना भी सकते हो, जिसे इसके नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। अब उसके बाद के अंदर क्या होता है, ये टॉपिक क्या था, मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग का जो टॉपिक था। नेक्स्ट अपन बात करेंगे, एक तो देखिए अपने पास में टॉपिक बचेगा कि जो भी बैलेंस बनाई, जैसे अपन खड़े होते हैं नीचे की तरफ झुक जाते हैं, ये सब कैसे होता है। साथ में अपन इससे रिलेटेड कुछ डिजीज भी देखेंगे ईयर से रिलेटेड। तो मैकेनिज्म ऑफ हियर वाला टॉपिक है, आप अच्छे से समझ लीजिए, टॉपिक अच्छा है, आपको हो सकता है एग्जाम के अंदर वर्किंग मैकेनिज्म पूछ लिए, कोकलिया की स्ट्रक्चर पूछ ली जाए या फिर ईयर का डायग्राम पूछ लिया जाता है आपसे। कोकलिया की स्ट्रक्चर मोस्ट इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है कोकलिया की। कोकलिया के अंदर 3 पार्ट है, स्केला वेस्टिबुली, स्केला टेम्पेनी और स्केला मीडिया। स्केला जो वेस्टिबुली होता है वो डोर्सल साइड में होता है, जो मैंने ऊपर की तरफ बना रखा है। स्केला मीडिया का होता है बीच में होता है, स्केला टेम्पेनी का होता है वेंट्रल साइड में होता है। तो आज का ये टॉपिक था मैकेनिज्म ऑफ द हियरिंग का टॉपिक है।